हाँ सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट मॉडल, ये सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट मॉडल ये जो इसके अंदर इनबिल्ट बहुत ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट जैसे अकाउंट है, अपॉर्चुनिटी है, कॉन्टैक्ट है, दीज आर इनबिल्ट ऑब्जेक्ट। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो जो हम खुद ही बिल्ड कर सकते हो, लाइक एम्प्लॉई, स्टूडेंट, किसी को पूरा डिपार्टमेंट, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब ऑब्जेक्ट तुम कर सकते हो। ये सब स्टैंडर्ड कस्टम ऑब्जेक्ट। उसके साथ थोड़ा उसका कस्टम टैब कैसे बनाना पड़ेगा, लेआउट कैसे बनाना पड़ेगा, लिस्ट, ये सब थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो इसके बाद आएगा वैलिडेशन रूल्स। वैलिडेशन रूल्स क्या चीज है, ये थोड़ा ओवरव्यू बोल रहा है। वैलिडेशन, सपोज सपोज यू हैव ए 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट के बोला तो मैं एक काम करो, वो एक फॉर्मूला लिख दो जो उसका 10 स्टूडेंट का सम, सम ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ओके, उसका मैक्सिमम स्टूडेंट एज, मिनिमम एज, ये सब फॉर्मूला, वी कैन सेट द फॉर्मूला। उसके बाद वर्क फ्लो रूल कौन है, वर्क फ्लो रूल यही है, हम लोग थोड़ा ऑटोमेशन करेंगे। ये कंडीशन होगा, इसके लिए ये कंडीशन होगा, तो ये थोड़ा कंडीशनल चीज, वही हम लोग करेंगे। वो अर्थ हो बिल्डर, प्रोसेस बिल्डर, ये फ्लो बिल्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये थोड़ा दिखाना पड़ेगा। ये नेक्स्ट टाइप आ रहा है सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम कोई भी सिस्टम बनाओगे ना, अगर तुम कल घर खोल करोगे, तो पहले सबसे अच्छा चीज कौन देखोगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ये जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनना पड़ेगा ना, तो सिक्योरिटी हाँ सेफ्टी, इसके लिए सेल्स फोर्स को बहुत ज्यादा वो लोग प्रेशर देता है, ये इसके लिए बहुत स्ट्रेस है। सिक्योरिटी अच्छा तरफ समझना पड़ेगा। उसके बाद सिक्योरिटी, हाँ थोड़ा, और यहाँ पे भी थोड़ा ऑटोमेशन है, जो ये चीज ऊपर में है, यहाँ पे अच्छा। तो इसके सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बाद रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स बिल्डर, रिपोर्ट्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। अप टू रिपोर्ट्स, व्हेन रिपोर्ट विल बी एंड, सेशन विल बी एंड। ये टोटल एज पर माई प्लानिंग, ये 30 आवर्स का टोटल लगता है, 30 आवर्स मिनिमम लगता है, 30 आवर्स। जितना एफोर्ट दोगे तो उतना ज्यादा ये होगा। द नेक्स्ट, अच्छा एक मिनट, और तुम जो बोल रहे हो, और थोड़ा अच्छे वीडियो देखोगे, देखो मैं कुछ वीडियो दे, ये थोड़ा ये वीडियो देखोगे, दो चीज तुम कर सकते हो। मैं जब शुरू किया था, मैं जिस टाइम शुरू किया था, मैं यूडेमी का एक है, अगर वो वीडियो तुम देखोगे, वो बहुत अच्छा, ये वो नेट पे है, सेल्स फोर्स एडमिन, अच्छे हल्क, एक मिनट, सेल्स फोर्स हल्क फॉर बिगिनर्स। ये एक जयपुर वाले एक लड़का है, बहुत डायनेमिक लड़का है, बहुत अच्छे है, बट फिर भी वो बहुत मैच्योर स्मार्ट है, ओके। तो इसका जो ये है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर ये तुम थोड़ा देखोगे, उसके बाद फिजिकल क्लास करेंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। इसका जो चैनल है, दो चैनल मैं रिकमेंड करता, ये वीडियो देख सकते हैं, पूरा से पूरा अच्छा तरफ है ये। फिर भी प्रॉब्लम यही है, किसी को तुमको खुद नहीं दिखाते ना, वो तो थोड़ा ये प्रॉब्लम है। एक मिनट, एक मिनट, वीडियोस प्लेलिस्ट, अच्छा प्लेलिस्ट में सर्च कैसे करेंगे, और प्लेलिस्ट सर्च रहता है, प्लेलिस्ट के बोल, एक मिनट, मैं जब शुरू किया था, मैं ये देखा था बहुत, ये 52 वीडियो, समझ गया, दिख रहा है हाँ सर ये पे शुरू करो। ये एक एक वीडियो तुम जब टाइम मिलेगा, जब थोड़ा सा ये हर दिन एक एक वीडियो, थोड़ा थोड़ा पर बेनिफिट क्या होगा, इट विल बी, यू विल बी मोर रेडी, अंडरस्टैंड। मैं हाँ तो हाँ
ये पहले सबसे पहले यही वीडियो दिखा था जब मैं नेट सर्च किया था, दिस वीडियो आई गॉट, एंड ही इज अ वेरी ऑथेंटिक गाइस एंड वेरी जेन्युइन लिंक बेस्ड है। ये एक बार ध्यान से देखिए, ओके okay? दो रिकमेंड करता, तो अगर ये देख सकते हो थोड़ा एडवांस होगा, इसके बाद मैं जब क्लियर कर देंगे और भी बेटर होगा, ठीक है? ये दे रहा, और कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे रहा, हाँ सर, व्हाट्सएप में दे दो सर। व्हाट्सएप में दे रहा, सर मुझे भेज दो ना, मुझे ही। ठीक है ठीक है। तो उस उन लोगों को भी देना पड़ेगा। अच्छा, वो लोग भी। हाँ सेल्सफोर्स एडमिन, मैं जब शुरू किया था उसी दिन यूट्यूब सर्च को ये मिला था, बट इट्स गुड, इट्स गुड सेल्सफोर्स एडमिन। अच्छा, और एक चैनल दे रहा, ये बहुत अच्छा है, ठीक ये बहुत अच्छा है, समझ गए? जब बोल रहा ये जो लिंक दे रहा है, वेरी वेरी गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी ये जो सीरीज, ये तुम थोड़ा अब देख बेनिफिट क्या होगा और भी ज्यादा, थोड़ा सर सपोज इवनिंग से थोड़ा टाइम मिल रहा है ना, हाँ सर। तो तुम तो थोड़ा भी आगे जहाँ पे डाउट होता है और भी मैं क्लियर कर देगा, समझ गया क्या बोल रहा? हाँ सर। सपोज कल मैं एक टॉपिक करेंगे, उसके लिए तुम एक इसका वीडियो देखो, दो चैनल का वीडियो देखो, तुम्हारा थोड़ा एडवांस हो जाएगा ना, थोड़ा एडवांस हो जाएगा, उसी टाइम मैं और भी क्लियर कर देगा, मेरा भी इम्प्रूवमेंट होगा, तुम्हारा भी इम्प्रूवमेंट होगा और काम इजी हो जाएगा, समझ गए क्या बोल? तो हाँ दिस सर। इज ए एडमिन, देखो यहाँ पे 61 वीडियो है, बहुत अच्छा है एक्चुअली, ये वो उससे ये बहुत ऑर्गेनाइज है, ये वीडियो बहुत ऑर्गेनाइज है, समझ गए? हाँ सर। बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ये फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा, मैं ये भी दे रहा हूँ। इस ऑडिशन ये कोनो पेमेंट है इससे? एक मिनट देवेंद्र, हाँ सर। আমি মুম্বাই যাচ্ছি, আমার ছেলে আমার ছাত্র ওখানে রেডি হয়ে আছে, আমাকে ওয়েলকাম করার জন্য, কি দেবেন তো? আর ইউ রেডি টু ওয়েলকাম মি? হ্যালো, हाँ सर। मैं बोल रहा मैं मुंबई जा रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट मेरा वेलकम करने के लिए खुद ही रेडी है। अच्छा, ये दे दे दे, बहुत अच्छा टेस्ट स्पोर्ट्स,
गेस्ट यूट्यूब এই আচ্ছা, ইয়ে দো লিঙ্ক মিলা দেবেন্দা? हाँ मिल गया मिल गया। আচ্ছা, তাহলে ক্যা করনা পড়েগা দেখো, থোড়া জিস টাইম ধরা সাপোজ থোড়া দের ইভিনিং সে তুমি থোড়া ফ্রি হো গিয়ে, দেখো এই টেকনোলজি কে সাথ মানে সব স্টুডেন্ট কে এই বলতে হ্যায় টেকনোলজি সাথ ডেটিং করনা পড়েগা, টেকনোলজি সাথ রোমান্স করনা পড়েগা। ওকে আগার লাভ কিসি কে করনা পড়েগা, পহলে টেকনোলজি কে লাভ করো। আগার हाँ सर টেকনোলজি কে লাভ করো কে ক্যা ক্যা বেনিফিট হোগা, এক তোমারা কেরিয়ার বনেগা, এক তোমারা মানি আয়েগা, ফিনান্স আয়েগা। ওকে, আগার উইদাউট ফিনান্স লাইফ মে কুছ ভি নেই হোতা হ্যায়, আর ফির ভি হ্যাঁ সর এ তো সাপোর্টিভ চিজ হ্যায় না, মানে हाँ থোড়া তো সব কুছ আগার টেকনিক্যাল কাম করেগে সবসে আচ্ছা লাইফ বনেগা, সমঝ গে কে বললাম? हाँ सर থোড়া জব মেরা থোড়া মানে কবি দেখো মে মেরা ইন্টারেস্ট মে সব কুছ দে দেতা হ্যায়, মেরা এ নেচার হ্যায় যে যে স্টুডেন্ট বাকি এই সব লোক গ্রুপ মে অ্যাড কিয়ে তো উসকে সাথ ধীরে ধীরে তুমি ভি মিট হোগা, মে মেরে পাস জিতনা কুছ হ্যায় নলেজ হ্যায় সব দেনে কে লিয়ে মে ও তৈয়ারি হু, সমঝ গে কে বললাম? हाँ सर ইউ অ্যান্ড অলসো ডু নট হেজিটেট টু টেক আদার সেলফ কোর্স, আন্ডারস্ট্যান্ড? সো ডু নট টেক हाँ হেজিটেট টু আদার সেলফ। নেক্সট যারা ফলো করে এই দোনো দো টিউটোরিয়াল তুমি ফলো করে টপিক্স ওয়াইজ ফলো করে না, বহুত আচ্ছা বেনিফিট হো, মানে ইয়ে 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 বহুত আচ্ছা লাগতে হ্যায়। আচ্ছা তো লেট স্টার্ট, হম লোক ক্যা ক্যা কিয়া থা, এক স্ট্যান্ডার্ড অবজেক্ট, আচ্ছা এক স্ট্যান্ডার্ড অবজেক্ট তো তুমি তো থোড়া পাতা হ্যায় স্ট্যান্ডার্ড অবজেক্ট কোন हाँ হ্যায়, আচ্ছা हाঁ তোমার পে লেট ওপেন এক মিনিট, ও
हेलो। एक मिनट, मैं उसके अंदर हैंडसन में जा रहा, एक मिनट वही ओपन कर। तो आज से हम लोग पूरा ध्यान से ये शुरू हो रहा। हाँ ठीक है। अच्छा ये पे देखो, ये जो मैं ऐप लॉन्चर में क्लिक करूँ ना, ऐप लॉन्चर में ये पे जा रहा सेल्स क्लाउड। ये सेल्स क्लाउड, ये सेल्स क्लाउड बोल, ये सेल्स क्लाउड जैसे उबर एक ऐप है ना, ये सेल्स क्लाउड एक ऐप है, तुम भी खुद ऐप भी बना सकती हो। सो ये सेल्स क्लाउड ऐप के अंदर, ये एक ऐप के अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट है। तो एक ऑलरेडी वी आर फेमिलियर, ये पे एक ऐप के अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बुने बना है। तो वो बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एस ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एस ऑब्जेक्ट। ओके एस ऑब्जेक्ट, और हम लोग खुद भी क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर वो कस्टम ऑब्जेक्ट। तो ऑलरेडी वी आर फेमिलियर विद द स्टैंडर्ड, ए अकाउंट्स स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, ए लीड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, अपॉर्चुनिटी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, ए कॉन्टैक्ट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कैंपेन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, ये सब बहुत सारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बनी बना है। और फिर भी हम लोग खुद ही कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, लाइक बुक्स ए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, लैपटॉप किया, मोबाइल किया। ओके सो ये सब पर्सन ऑब्जेक्ट किया, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स वो पहले से बुनी बना नहीं था, हम लोग हाँ भी ये ये हाँ कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया। कस्टम ऑब्जेक्ट और है। ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या होता है, दोनों चीज है। ये ऑब्जेक्ट के, एक अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर घुसोगे, ऑब्जेक्ट के क्या, हम लोग कौन कौन सीखा, एक चीज अभी तक सीख लिया वो है ये ऑब्जेक्ट मैनेजर। जाओगे किसी को ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर जाओगे तो बहुत सारा चीज है। ये पहले हम लोग सीख लिया कि फील्ड एंड रिलेशनशिप, ये पूरा एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जितना सारा फील्ड होता है, जितना सारा डेटा टाइप है, सब लोग तुम एक्सपेरिमेंट किए ना। सो हाँ एक जितना सारा डेटा टाइप है, कितना सारा डेटा टाइप है, सब एक्सपेरिमेंट हो गया। रिलेशनशिप भी हम लोग देखा तो कैसे रिलेशनशिप वो भी एक्सपेरिमेंट किया। और थोड़ा थोड़ा हाँ वीडियो देखोगे और भी देखो, एक चीज 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब तुम्हारा दिमाग में एक इम्प्रेशन क्रिएट होगा। ओके उसके बाद किसी को डिस्कस करना पड़ेगा, किसी को डेमो दिखाना पड़ेगा। अच्छा मैं थोड़ा उनको भी बोल दे रहा, इसलिए माय स्टूडेंट एक ग्रुप बन रहा है। तो ये एक साथ दूसरे के साथ इंटरेक्ट करोगे वो भी अच्छा पता चलेगा। ओके सो ये फिर अभी ये चीज हम लोग कवर हो गया। तो ये इफ यू गो टू इन वीडियो, मैं हर तरह में दिख रहा हूँ कहाँ प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग। अगर ये वीडियो में जाओगे यूट्यूब का, ये वीडियो देखा हम कहाँ पे है, ये पे, ये टॉपिक ये था, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट फील्ड रिकॉर्ड डिटेल, ये पे है, समझ गया। हाँ हाँ सर और दूसरा ये भी क्रिएट किया, ये टॉपिक 3 क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट टैब, कस्टम ऑब्जेक्ट वो पता चल गया। और ये पे और एक चीज हाँ है, टैब्स कैसे बोलते हैं, टैब टैब बोला था लास्ट डे, पर फिर भी मैं अभी और एक बार क्लियर करते रहा, व्हाट इज टैब। ओके तो टैब कौन है, देखो टैब ये पे क्लिक करो, ऑब्जेक्ट में होम में क्लिक करो। देखो इपुक इप एक क्रिएट एक नया एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करो अभी। हाँ अभी पता चलेगा टैब क्या चीज, टैब का इंपोर्टेंस कौन है। अभी हाँ एक ऐप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ये ऑब्जेक्ट का नेम है, ये ऑब्जेक्ट का नेम है सपोज स्पेक्टेकल्स। हाँ SPECTA स्पेक्टेकल्स, CLES ठीक है, चश्मा बोलते हैं स्पेक्टेकल्स। ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है, समझ गए। मैं हाँ सर दे रहा यहाँ पे, ये दे रहा, देखो नीचे आ जाओ यहाँ पे एक चीज देखो, ये लॉन्च न्यू कस्टम टैब हुई जाए, अगर मैं लॉन्च एक क्लिक नहीं करेंगे वो सेल्स हाँ क्लाउड में नहीं दिखाएंगे। ओके ये अगर चेक करेंगे वो टैब आ जाएगा। टैब कुछ नहीं है, अगर तुम पेंट करोगे तो किसी को लेआउट तो चाहिए ना, बैकग्राउंड हाँ सर लेआउट नहीं होता है, तुम कहाँ पे कोड लिखोगे। ओके तो जो
बोर्ड बोर्ड व्हाइट बोर्ड है वो तो लेआउट है, उसके ऊपर तुम कुछ लिख सकते हो, कुछ ड्रॉ कर सकते हो कुछ, अगर वो लेआउट तो करना पड़ेगा, समझ के क्या मतलब। हाँ सर, अगर मैं नहीं किया, अगर मैं नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम, देखो मैं नहीं क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, स्पेक्टेकल्स बोल के एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। हाँ हाँ बट ये पे ध्यान से सुनो, टैब कहाँ से आता है, ये पे क्लिक करो सेल्स क्लाउड, देखो ये क्लिक करो, ये पे क्लिक करो, ये मोड में जाओ, ये देखो यहाँ पे सेल्फ स्पेक्टेकल दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा नहीं दिख रहा, ये देखो नहीं तो सर, क्यों नहीं, नहीं दिख रहा, देखो हाँ तुम्हारा सिलेक्ट, एक टैब क्रिएट सिलेक्ट नहीं किया किए थे। टैब के नहीं दिया तो कैसे हो, अगर तो बैकग्राउंड ये तो उसका रियलिटी नहीं है ना, तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यही करना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ेगा, ये टैब बल्कि सर्च करो टैब, ये टैब में क्लिक करोगे ना, क्लिक के टैब, अच्छा जब कोई भी नया चीज क्लिक करना वो थोड़ा भी स्टडी भी करो, समझ गया, तो स्टडी करोगे क्या बेनिफिट होगा, धीरे धीरे देखो ये जो जे लोग सॉफ्टवेयर बनाया उसका, वो यूएस के, ये सॉफ्टवेयर यूएसए बनाया, उसका हाँ टर्मिनोलॉजी के साथ, उसका वर्ड के साथ थोड़ा थोड़ा तुमको फैमिलियरिटी आ जाएगा, समझ पाओगे और नहीं पाओगे, एटलीस्ट तो रीड तो करो, समझ गए क्या बोल रहे, हाँ हाँ रिलेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा थोड़ा एक करके साउंड करके पढ़ो, ये पढ़ाई बोलो, व्हाट इज दिस रिलेटेड यू कस्टम कैन टैप क्रिएट के, अ न्यू कस्टम टैब टू एक्सटेंड सेल फोर्स फंक्शनलिटी और टू बिल्ड न्यू एप्लीकेशन फंक्शनलिटी। ओके उसके बाद कस्टम ऑब्जेक्ट टैब लुक्स एंड बिहेव लाइक द स्टैंडर्ड टैब प्रोवाइडेड विद सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स वेब टैब्स अलाउ यू टू एनेबल एम्बेड एक्सटर्नल वेब एप्लीकेशंस एंड कंटेंट विद इन द सेल्सफोर्स विंडो, विजुअल फोर्स टैब अलाउ यू टू एम्बेड विजुअल फोर्स पेजेस, लाइटनिंग कंपोनेंट टैब अलाउ यू टू ऐड लाइटनिंग कंपोनेंट टू नेविगेशन मेनू, लाइटनिंग एक्सपीरियंस एंड द मोबाइल ऐप, लाइटनिंग पेज टैब्स अलाउ यू टू ऐड लाइटनिंग पेज टू द लाइटनिंग एक्सपीरियंस एंड द मोबाइल ऐप, ये बहुत सारा लिखा, थोड़ा दिमाग से ऊपर जाएगा जा रहा, कुछ प्रॉब्लम हाँ नहीं तुम्हारा, अभी जस्ट ये एक बार जब कोई नया चीज आएगा ना उसके पास साइड में जो जो लिखा है ना वो थोड़ा एक्टिव पढ़ाई करो, 1 मिनट। हाँ सर, हाँ हेलो हाँ देवेंद्र अभी, हेलो देवेंद्र हाँ सर, सुनो, अभी क्या होता है यहाँ पे कास्ट, मैं एक टैब सिलेक्ट कर, ओके मैं टैब सपोज ये एक ये टैब है, टैब हाँ के लिए मैं एडिट कर रहा, अच्छा ये नहीं टैब्स, 1 मिनट, ये सब एक एक ये जितना सारा हम लोग, मैं कस्टम टैब क्रिएट किया ना
ये सब टैब है। अभी नया टैब मैं ये पे एक मेरा जो ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्पेक्ट्रल। स्पेक्टेकल्स। मैं देखो वो अभी ये पे नहीं है, है कि नहीं है। ये सब मैं क्रिएट किया दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए, सब देखो कस्टम ऑब्जेक्ट, ये जितना सारा कस्टम ऑब्जेक्ट मैं किया ना उसके लिए एक हाँ टैब क्रिएट किया। ओके, तो अभी अभी क्या कर रहे हैं ये पे, और टैब देखो ये अभी ये इतना अभी ये समझने की जरूरत नहीं है, वेब टैब कौन है, विजुअल पोर्ट्स कौन टैब है, लाइटनिंग कंपोनेंट टैब है, लाइटनिंग पेज टैब, सब बहुत सारा है। पहले ये एक हाँ समझो, ये टैब समझो। कस्टम टैब। हाँ, तो ये पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ा, ऑब्जेक्ट मेरा, हमारा ऑब्जेक्ट का क्या नाम, ये टैब है। प्रैक्टिकल ओके, और ये पे क्लिक करो, इसके पीछे कोई भी एक स्टाइल चूज करना पड़े। ओके, मैं एक हाँ स्टाइल चूज कर, ये भी स्टाइल चूज कर। लीफ। हाँ नेक्स्ट करो, ये था नेक्स्ट करो। सेव करो, अभी हो गया। इस हाँ बार सर सेल्स फ्लोर क्लाउड में जाओ, सेल्स क्लाउड में जाओ। ये पे मोड में जाओ, आ हाँ गया, आ हाँ सर गया। क्यों हाँ आया, तो उसका वो लेआउट, बैकग्राउंड का लेआउट है ना, इसके लिए हाँ वो स्पेक्टिकल ऑब्जेक्ट अभी चलाया। देखो वो जो लोगो सिलेक्ट के बाहर साइड में दिख रहा, लीफ लोगो। हाँ हाँ ये हमारा टैब का इंपोर्टेंस है। इसका ये जो आप जो आज जो समझे ना, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, वही वीडियो एक बार दो बार देखना पड़ेगा, और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद वो वीडियो एक बार देखोगे ना टैब का, और भी ज्यादा कुछ भी नॉलेज आ जाएगा, समझ गए मतलब। ओके, अच्छा, तो ये पे बोला नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिंग कस्टम एप्स इन सेल्स फॉर लाइटिंग से। एक कस्टम एप्स, हम जो ऐप देख रहे हैं वो सेल्स ऐप ये पे बनी बना है, सेल्स ऐप ये पे बनी बना है, हम लोग कैसे खुद ही ऐप बनाएंगे, समझ गए। हाँ हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन ऐप। ये जो इतना जो सब कुछ क्रिएट किया, ये तो सेल्स ऐप है ना, ये ऐप हाँ सेल्स है। हाँ हम लोग ये पे जो था, ये व्यू वॉल देखो, व्यू वॉल के तो ये पे इसके अंदर हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, ये सेल्स ऐप हम लोग ज्यादा यूज करते, इसी से मैक्सिमम टाइम वी आर यूजिंग सेल्स ऐप। हाँ, मार्केटिंग ऐप ये सब बहुत सारा कुछ कुछ बनी बना है। अगर नीचे आ गए, आइटम्स हैं देखना पड़ेगा। मैं तो आप क्रिएट किया, ठीक है, न्यू ऐप का यूजी टैब एक्सेंस चेक की। ऐप मैनेजर, गो टू ऐप मैनेजर। गो टू ऐप मैनेजर, ये तो कहाँ गया था, ऐप के अंदर, ये पे होम जाके ऐप मैनेजर में गया था। हाँ, ऐप हाँ मैनेजर ये पे न्यू लाइटनिंग ऐप, न्यू लाइटनिंग ऐप। सपोज यू आर इन मुंबई ना, सो ये एक हाँ ऐप बनना चाहिए, मैं मुंबई सिटी के लिए ऐप बनाना चाहिए, मुंबई मुंबई सिटी ऐप, सिटी गाइड ऐप, ये नाम दीजिए।
डेवलपर्स नेम के खुद ही आ रहा है, तो चेंज भी कर सकता है। ओके कुछ डिस्क्रिप्शन डेवलप बाय बाय देवेंद्र। इसके एक देखो, एक ऐप का उबेर का एक लोगो है, ओला की भी एक लोगो है, सब जोमेटो का भी एक लोगो है ना, तो तुम्हारा ऐप हाँ में तो कुछ एक लोगो चाहिए, एक एप्लीकेशन है ना, ये हाँ लोगो डाल। सपोज ये पे छोटा छोटा ये चाहिए, ठीक है, ये कोई भी सिलेक्ट कर रहा, ये शायद एक लोगो दे दिया। हाँ अच्छा, तो ये अच्छा नेक्स्ट करो। अच्छा नेक्स्ट, ऐड यूटिलिटी आइटम, ऐड यूट्यूबर आइटम नेक्स्ट करो। अच्छा सेल्स टीम अवेलेबल आइटम्स या प्लांचर, नेक्स्ट करो। अच्छा नया ऐप का नाम हो गया है मुंबई सिटी ऐप ना, इस मुंबई पर सिटी है अपने। ऐप लॉन्च हो जाए। अच्छा ऐप का पब्लिश कुछ नहीं है, ठीक है, ये ऐप मैनेजर। अच्छा मुंबई सिटी ऐप लाइटनिंग ऐप डेवलपर देवेंद्र, उसका एडिट है डिलीट है। मुंबई सिटी ऐप, ये ऐप नेम ऐप मुंबई सिटी ऐप गाइड ऐप, दिस इज डेवलप्ड बाय देवेंद्र, इट्स लाइटिंग ऐप। अच्छा तो मुंबई सिटी ऐप इनेबल ऐप क्लोनिंग डिसेबल। चीज ऐप बना है ये ऐप हम, ओके एक मिनट है, मत देख लेना पड़ेगा। मैं ये किया था पहले थोड़ा, अच्छा क्लिक वॉक थ्रू लाइटिंग और क्लिक न्यू लाइटिंग ऐप, क्लिक और न्यू क्लिक न्यू ट्रेनिंग ऐप।
अच्छा विजिबल इन लाइटनिंग एक्सपीरियंस, ये क्या है, ये पे टिक देख रहा नहीं देख, विजिबल इन लाइटनिंग एक्सपीरियंस हमारे जो ऐप मैनेजर हाँ सर, लाइटनिंग अपने को भी है कहाँ विजिबल। देख रहा विजिबल, और सर ये ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ इसके ऊपर राइट में, हाँ हाँ अच्छा हाँ विजिबल लाइटिंग एक्सपीरियंस, विजिबल दिख रहा ना। अच्छा ये भी हो सकता है ना, एक बार रिफ्रेश भी करना पड़ेगा, रिफ्रेश हाँ कर। रिफ्रेश कर लो। अच्छा ठीक है देख रहा हूँ। अच्छा ये स्टेप किया, ये हुआ मेट लाइटनिंग एप्स, ओके न्यू लाइटनिंग एप एक किया। अच्छा तो यूज द लाइटनिंग एप एक्सपीरियंस, व्यू ऑल योर सेल्सफोर्स ऐप, क्रिएट लाइटनिंग ऐप कनेक्टेड ऐप, सी इजीली मैनेज एप्स, ओके इजीली मैनेज एप्स, ओके हॉट डाज दैट विजिबल लाइटनिंग कलर, यू कैन सी द ऐप मैनेजर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऐप, क्लासिक एंड लाइटनिंग, ओके इस चेक मार्क इज द विजिबल लाइटनिंग ऐप कलर मींस दैट ऐप इज एक्सेसिबल द लाइटनिंग एक्सपीरियंस वाया ऐप लॉन्चर एंड इज फुल्ली फंक्शनल, आई सी डू नॉट हैव द चेक मार्क इन द विजिबल लाइटनिंग ऐप, ओके ओके क्रिएटिंग है लाइटनिंग ऐप, क्रिएट एंड एडिटिंग लाइटनिंग ऐप इज इन सिंस फ्रॉम द होम टैब सेटअप एंटर ऐप, तो ऐप मैनेजर न्यू लाइटनिंग ऐप हो गया, ऐप विजेट क्रिएट किया हम तो क्रिएट किया। अच्छा क्लिक सेवन फिनिश, देन ऐप मैनेजर सिलेक्ट एनर्जी कंसल्टेशन, चेक दिन, अच्छा एप्स ओके ये पे वही तो प्रोसेस फॉलो करते हैं। सर एक बार फ्री क्रिएट कर जरा देखो। तो सर हो जाएगा, अच्छा ये मैं पहले भी क्रिएट किया था, चेक मिनट यहाँ पे ये नेक्स्ट सेवन फिनिश ऐप लॉन्चर डॉट आइकॉन यहाँ पे बोल रहे इसमें अंदर आ जाएगा, चेक द चेक ऑन न्यू ऐप और द कस्टम ब्रांडिंग क्या बोल रहे न्यू ऐप, अरे ठीक है वीडियो एक बार देख लूंगा। एक मिनट तुम भी वीडियो सुन सकते हो, Responsible system. एक मिनट एक वीडियो, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है छोटा वीडियो, अभी क्लियर हो जाएगा, मैं किया था। अच्छा तुम्हारे सुना हेलो तो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता। आई वेलकम यू ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट यू हाउ टू क्रिएट कस्टम एप्स इन सेल्सफोर्स वीडियो लाइटनिंग। सुन रहा है, तो हाँ सर बिफोर स्टार्टिंग एक लेट बार मी देखो शो यहाँ यू पे हाउ यू कैन सर्च कोई माय भी एक वीडियो। स्टेप से थोड़ा यू जाओ, टाइप माय नेम, माय चैनल विल बी अवेलेबल देयर एंड यू कैन फॉलो सेल्सफोर्स रिलेटेड वीडियो सीरीज देयर। ये बहुत अच्छे बंदे हैं। So now I am logged in Salesforce Lightning and it is by default opening setup. So here in setup we need to search for app manager. देखो हम लोग जो स्टेप किया कितना दूर हुआ, कहाँ से छोड़ दिया, समझ गए, हाँ एक बार और भी प्रैक्टिस हो, देखो यहाँ पे गया था हम सो लोग,
Here you can see it is showing 17 items. So these 17 apps are already available. Now you can see app name, their developer name, description, last modified date. Then here you can see app type, whether it is related to Salesforce Classic or Salesforce Lightning. And last is visible in Lightning experience. So Salesforce Classic apps are also visible for Lightning experience if you have done this. And some of the apps which are related to Classic but not available in Salesforce Lightning experience. So for that, we need to upgrade those apps. So if we click on upgrade, so here you can see it is upgrading your custom app into Lightning experience. So you can provide a new app name and then its developer name. And here you can read this description. This action creates a Lightning app version of the Classic app. The original Classic app isn't affected. If a profile exceeds the number of allowed apps, it isn't assigned to the Lightning app version, right? So this way you can upgrade your app that is related to Salesforce Classic. Now we are going to create new Lightning app. So if you want to create new Lightning app, you need to fill these information. So first you need to provide name for your application. So हम ये भी फॉलो किया है। I'm providing app name as my university. हम तो कहते हैं तो मुंबई app my university. Then it will be developer name my_university. Then I can fill some statement as a description here. Then for branding purpose, you can upload an image and you can choose the primary color. So color theme, I am choosing this one. So this way, this color theme will work. And if you choose any logo, so that will be available here. So you need to choose this, use the app's image and color instead of the org custom theme. Click on next. So here some more options are available. So navigation style, standard navigation or console navigation. So in standard navigation, all tabs are available in same bar. And in case of console navigation, there will be a drop down. So from that drop down, you need to select a particular tab. Then supported form factors. So three options are available, both for desktop and phone, or either for desktop or phone only. Then setup and personalize. So setup, full set of setup option or service setup. So I'm selecting first one only. Then app personalization setting. So first option says disable end user personalization of nav items in this app, or disable temporary tabs for item outside of this app. So I'm not choosing any one of them. Now, if you want to add utility items, so utility items will be available at the bottom of the page like this. So if you click on any option, so it will pop up a window. So if you want to add any utility item, so you can search for those like I selected this one. I selected this chatter feed. So two utility items I selected, and you can see you can also choose custom components that you created in Lightning. So if you have the have that, click on any option, so it will pop up a window. So if you want to add any utility item, so you can search for those like I selected this one. I selected
this chatter feed. So two utility items I selected, and you can see you can also choose custom components that you created in Lightning. So if you have them, you can directly select them and they will be available as utility items. Yeah. Now I'm selecting next. Here I need to select the tabs which are related to a particular object. So it is providing custom object creation from spreadsheet also. So we are not going for this. We are just selecting the objects. Tabs related to objects. So first I'm selecting account. Then I'm selecting contact. एक ऐप में ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट टाइम सिलेक्टिंग बुक और स्टूडेंट। अच्छा, ऐप में वो ऑब्जेक्ट ऐड कर, हमारा हम लोग नहीं किया। देन एम्प्लॉय, एंड देन बुक। I'm also selecting home. Oh, अच्छा अच्छा ये थोड़ा ये थोड़ा. On home page you can. Next I'm selecting book or student. Then employee. And then book. I'm also selecting home. On home page you can put some standard and custom components. So I want this at first position, so I selected and clicked on this up and down buttons. So this is the order of selected tabs. Now I'm clicking on next. So it is asking for the profiles. So for which profile this app will be visible. So I am selecting system admin profile. So while working on a project for your company, you need to ask for which profiles this app will be available. So accordingly, you can select the profiles. Then save and finish. You can see here back option is available. So if you want to modify the things you selected previously, so you can click on back and change the settings. Now click on save and finish so that your Lightning app will be created. So here you can see in the list, here it is. My university app is created. Created. Lightning. And this is in Lightning version. Oh, right. So now we can open this app so that we can navigate around different objects. So I clicked on App Launcher. So here you can see your My University app is available. Click on this. So this app will be launched. Along with all the available tabs. So default landing tab is. Okay, let me check. Seven है? हाँ. एक मिनट. हाँ सर, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है सर, इसका मतलब. इसका थोड़ा मॉडिफाई. तो सर इसकी वीडियोस देख के गो थ्रू करूंगा तो सर समझ में आ जाएगा ना सब. बहुत अच्छा वीडियो. ये एक बार आगे देख कर तो धीरे धीरे कंट्रोल कर, और मेरा मैं सब लोगों को एडवाइस करूँगा, कोई भी चीज सेशन होने के अगले वो एक बार देख के आ जाए. क्या होता है तुम्हारे भी थोड़ा आइडिया. हाँ हो सर, जाएगा क्लैरिटी आ गई सर, काफी आई. बाकी तो यह है ट्रैवल शूट करके देखो, काम सीख के क्या रहता है, ट्रैवल शूट सीखना पड़ेगा. अगर ट्रैवल शूट सीखोगे तब तो ये होगा.
समझ सर गए क्या सिक्सटी मतलब? वन 61 वीडियोस है तो सर इसमें पूरा फुल स्टैक एडमिन है सर पूरा पूरा फुल और एडमिन, 61 वीडियोस में है ना। बहुत अच्छे। ये सीख ओके जाओगे थोड़ा, जब कोई भी थोड़ा टाइम मिल रहा, कोई ट्रैवलिंग में, कोई रेल स्टेशन में बैठ रहा कार, तो तो थोड़ा तो देख सर सकते हैं, तो इसके सर मैं पूरे वीडियोस देख लूंगा तो सर पूरा एडमिन क्लियर हो जाएगा ना। पूरा क्लियर होगा। अगर उस बाकी जहाँ क्लियर नहीं होता, उसलिए तो मैं है, ओके जहाँ क्लियर नहीं होता है वो तो उसलिए तो मैं है ना, वो तो मेरा हाँ रोल है ही। अच्छा, आप ए है, आप ऑप्शन ए ऑप्शन हमने दिया था, फोन ठीक है, यूटिलिटी आइटम टेस्ट, अच्छा इनेबल द कुल की बार, ठीक है नेविगेशन आइटम, हाँ छोटा, अच्छा ये सब देना पड़ेगा। सपोज मैं वो पे अकाउंट ऐड कर, अच्छा ये दे रहा, आइटम दे रहा, अच्छा और मेरा बुक आइटम दे रहा, बुक बोल के एक ऑब्जेक्ट ये भी दे रहा, बुक इनको दे रहा, अच्छा स्पेक्टाकल्स ये आज का ऑब्जेक्ट है, ये अपना ऐड कर रहा, एक अब ये सब फिर ऐड हो रहा, उसके बाद सेव करना पड़ेगा। अच्छा यूजर प्रोफाइल्स एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा इस बार मुंबई ऐप आ रहा, मतलब आ गया, डेवलप है फिजिबिलिटी, अच्छा ग्लैब टेक्स्ट है, अच्छा ये है तो हाँ ये गया तो है। इसके लिए, वो आ सर आ गया गया आ गया आ है, गया। आ गया आ गया इस बार देखो, जैसे सेल्स में जा रहे थे अभी ये ऐप चला गया, ये ऐप के अंदर हम जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ना, यहाँ पे देखो मैं अकाउंट ऐड किया, बुक्स ऐड किया, बुक इनको ऐड किया, स्पेक्टेकल ऑब्जेक्ट ऐड किया था, ओके ये मेरा एक ऐप हो गया, इसका ये ऐप का क्या होता है, मुंबई सिटी का ऐप खुद का एक ऐप बन गया, समझ गया, हाँ सर बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं ये स्पेक्टेकल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो इसके अंदर जाएंगे मैं ये ऑब्जेक्ट का, इसी ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट मैनेजर जाकर इसके अंदर जाएंगे आप, ये जो ऑब्जेक्ट मैनेजर है ना, इसका ऑब्जेक्ट मैनेजर हाँ सर देखो, इसका तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट मैनेजर सब कुछ मिलेगा, ऑब्जेक्ट मैनेजर जाके यहाँ पे तो हाँ तो तुम्हारा सर इसमें ऑब्जेक्ट नए कस्टम ऑब्जेक्ट कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैनेजर ये सब कुछ ऑब्जेक्ट है ओके। हाँ ये ऑब्जेक्ट और भी सपोज नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा ये पे, सेल्स था अभी ये मुंबई, ये हाँ देखो मुंबई आप आ गए,
ये ऐप हो गया, ये ऐप का अंदर मैं चाहते हो और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, ये सिंडी अकाउंट्स, इसके अंदर अच्छा यहाँ पे हम नया ऑब्जेक्ट, तो ऐप तो हो गया, ऐप को अंदर हाँ नया ऑब्जेक्ट देना चाहते, 1 मिनट, शायद इससे हो जाएगा। नया ऑब्जेक्ट, मैं अभी जो नया ऑब्जेक्ट होगा उसी का, अच्छा, वो समझ गया। तुम भी कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, तो ऑब्जेक्ट वो देखो अभी, और एक नया ऑब्जेक्ट कर दो। ओके, सपोज अभी एक डायरी बोल के कर, नया ऑब्जेक्ट DIARY, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट। हाँ, ए नया ऑब्जेक्ट DIARY, डायरी हो गया, नया ऑब्जेक्ट बना दिया, ए ऑब्जेक्ट का करो टैब, सिलेक्ट। सिलेक्ट हाँ करो, सेव एंड न्यू करो। ओ अच्छा, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। मैं अभी क्या कर रहा, हमारा जो ए पे जा रहा, हाँ ए पे जाके वो मुंबई, ये ऐप हो गया, ये हाँ ऐप में नया ऑब्जेक्ट जो ये हो गया डायरी, वो ऐप ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते। देखो अभी यहाँ पे 2-3 ऑब्जेक्ट है, एक अकाउंट है, बुक है, इनको है, अभी और एक नया ऑब्जेक्ट ऐड कर, यहाँ पे हम लोग नया ऑब्जेक्ट ऐड कर, समझ गए। हाँ ये सर। ऐप में कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे जाओ ऑब्जेक्ट मैनेजर, जाओ यहाँ पे ऐप मैनेजर में जाना पड़ेगा, ऐप ऐप हाँ ऐप मैनेजर आ गया। ऐप मैनेजर आ जाए, ऐप मैनेजर आ गया मुंबई ऐप, यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना एडिट करना, यहाँ पे एडिट करना, मैं क्या करना, नेविगेशन आइटम, यहाँ पे ये 3-4 ऐप है, अकाउंट ऑब्जेक्ट है, अकाउंट बुक बुक इनफो, अभी यहाँ पे नया ये ऐड करना चाहते हो, क्या ऐड करना चाहते, डायरी बोल के नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, DIA डायरी बोल के, अभी वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अभी तक नहीं आया, पब्लिश नहीं किया, आना तो चाहिए, 1 मिनट, चेक करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट फिट की सेटअप, कभी कभी इम्पैक्ट हो रहे हैं, उतना टाइम लगता है, तो रिमोट वर्चुअल में ना लगते हाँ हैं, ऑब्जेक्ट मैनेजर दिखने पड़ेगा वो डायरी। डायरी ऑफ कस्टम ऑब्जेक्ट, अच्छा सब तो ठीक है, ठीक ये है, वॉच ऐड मोर आइटम्स, ये पे देखो, ये दिन मुंबई सिटी ऐप गाइड, ऐड मोर आइटम्स, ऐड मोर आइटम्स, अवेलेबल आइटम्स ऑल, अच्छा ये पे हमारा डायरी ना। डायरी, क्यों नहीं आ रहा, ये सभी आ रहा वो ऑब्जेक्ट, ओ अच्छा, क्यों, एक बार चेक करना पड़ेगा उसका वो लेआउट ऐड होगा और नहीं होगा, एक बार चेक करना पड़ेगा, ऐप मैनेजर जो उसका लेआउट, ऐप मैनेजर,
देखो यहाँ पे देखो, वो नहीं दिख रहा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, वो नहीं ऐप टैप क्रिएट नहीं हुआ ना, यहाँ हाँ पे एक टैप क्रिएट करो, ये डायरी ऑब्जेक्ट हाँ, हाँ हाँ इसको ये लेआउट नहीं था इसलिए वो नहीं गया है, इस बार नेक्स्ट बार इस बार देखो डायरी आ गया, डायरी हाँ आ गया, इस बार मैं ये ऑब्जेक्ट में नया ऐप है ना, ये ऐप में ऐड करना चाहते हो, हमारा ऐप का नाम क्या ना, मुंबई सिटी, मुंबई सिटी। ये ऐप हो गया, तो ये ऐप में और एक ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो, और एक ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते, अच्छा और एक ऑब्जेक्ट, ये देखो डायरी आ गया, देखो अच्छा हाँ डायरी आ गया, क्यों नहीं आया था, उसका टैब नहीं था, समझ गए, वो हाँ टैब क्रिएट समझ नहीं है, तो अभी ये डायरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो आज कैसे क्या, कैसे हम लोग खुद का ऐप बना लाए, ऐप इतना बना दिन के और हम लोग, टैब। हाँ हाँ तो इतना दिन उसमें हम लोग क्या किया था, वो अकाउंट ऐप के लिए उसको उसके लेके काम कर, अभी हमारा खुद का ऐप बन गया, ये ऐप का ये पे और ऑब्जेक्ट कुछ ऐड है, और भी कुछ ऐड कर सकते हो, और कस्टम ये करना पड़ेगा, सब कुछ ये कर पाएगा, ओके यही आज लानी है, तो इसके बाद क्या करेंगे, कल देखो ये वीडियो, मैं मेरा एडवाइस सुनो, अरे हाँ सर पहले करियर से तुम देखो, ये एक चीज मैं देखता है, ये यू आर सीरियस गाइस, यू आर सीरियस गाइस, जो सीरियस तुझे और तुमने सर उसने बात करके मेरा भी अच्छा लगा, तो तुमने हेल्प करना चाहिए, थोड़ा लाइफ में हाँ तुम सर स्टैंड कर पाओ, समझ गए, नेक्स्ट हाँ सर देखो क्या कैसे सीखने के लिए तरीका, कैसे पहले ये जो वीडियो है ना 60 वीडियो, आज हम लोग क्या किया, कस्टम ऐप के देखा, और कस्टम हाँ फील थोड़ा तुम्हारा पता है, कल वो कस्टम फील कैसे क्रिएट किया, जो जो ये किया है कस्टम फील, तो उसके बाद और भी एग्जांपल दे, टेक्स्ट कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया हम लोग भी पहले क्रिएट किया, एड्रेस स्टूडेंट एड्रेस क्रिएट किया, टेक्स्ट कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, समझ गया, टेक्स्ट हाँ सर लॉन्ग कैसे क्रिएट, लॉन्ग यूज करना पड़ेगा, टेक्स्ट या रिच ये भी है, तो ये हम लोग क्रिएट किया, उसके बाद पता है ड्रॉप डाउन क्रिएट किया था, ड्रॉप डाउन क्रिएट किया था, पिक लिस्ट। हाँ हाँ याद है। हाँ मल्टी सिलेक्ट था, और सिंगल ड्रॉप डाउन होता है मल्टी सिलेक्ट होता है, मैंने बोला था तुम्हारा 4 जॉब लोकेशन चाहिए, तो हाँ पिक लिस्ट मैन मल्टी सिलेक्ट हम लोग ये किया, ओके अभी तुम्हारा क्या, जो जो है इसके जो वीडियो देख के देखे एक बार, एक बार और किसी को प्लेस में थोड़ा डाउट है वो भी आ जाए, देखो ये भी टेक्नोलॉजी ऐसा चीज ना, तुम जितना बार करोगे उतना बार सीखो, जितना बार किसी को सीखो उतना बार भी तुम्हारा सीख जाओ, समझ हाँ गया, सर हाँ सर ये तो अटक रोड ब्लॉक तो आएगा सबको, मेरा भी आएगा तुम्हारा भी आएगा, और भी मैं खुद ही जाके क्लियर, जैसे पहले ऐप नहीं दिख रहा अभी दिख रहा, ओके तो हाँ तुम्हारा अभी कहाँ तक तो जाना पड़ेगा, कल एक ग्लोबल पिक लिस्ट देखना पड़ेगा, ये मेरा भी एक कुछ पिक लिस्ट तो हमारा पता है, हाँ ग्लोबल पिक लिस्ट कौन है ये एक बार थोड़ा देखो, ओके हाँ और हाँ सर कंट्रोलिंग है चेकबॉक्स के साथ पिक लिस्ट, ये ऐसे होता है ना, बहुत सारे ऑनलाइन देखोगे एक चेकबॉक्स क्लिक करोगे तो और दूसरा कुछ विंडो भी आ जाएगा, ओके हाँ सर जैसे तुम रेडियो सिलेक्ट किया इंडिया, इंडिया का सब स्टेट आ जाएगा, ओके वो कैसे करना पड़ेगा, ये थोड़ा स्टडी करो, फॉर्मूला फील्ड स्टडी करो, लुकअप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप तो ऑलरेडी नोन, सो अभी नाउ यू नीड टू कम फॉर अप टू दिस टॉपिक, यू नीड टू कम फॉर अप टू 13 टॉपिक, समझ गए, ये पे जहां जहां डाउट होता है जहां जहां वहां पे हम लोग लेके एक एक करके डिस्कशन करेंगे, अगर वीडियो देखते हुए डिस्कशन करते हैं, समझ गए, तो हाँ सर ये थोड़ा प्रोसीड करो, ये वीडियो ये लिंक बहुत अच्छा है, और जो बाकी जो देता सेल्स फोर्स है वो भी अच्छा है, उससे ये बहुत बेटर ऑर्गेनाइज है, उससे ये बेटर ऑर्गेनाइज है, पहले इसका वीडियो देखो, समझ गया, ये ओके सर सीरीज फॉलो करके जाओ, देखो सबको इसमें भी जो है वो पे भी वो है, मेरा दो दिखा था, मैं जब शुरू किया था मैं ये अच्छा, उससे ये ज्यादा अच्छा लगा, उससे और भी ज्यादा अच्छा लगा, तो ये भी देखो अगर वो सेल्स फोर्स हाल में जाओ,
हाँ इसका जो ये है ना, वेरी गुड क्वालिटी इज गुड। इज एडमिन है या पे जाओगे इसको भी देखो, कौन कौन वीडियो कैसे क्या क्या हम लोग हो गया क्या क्या करना पड़ेगा। देखो थोड़ा देखो, व्हाट आर द डेटाबेस ऑब्जेक्ट एंड सेल्सपोर्स, व्हाट आर द, ये थोड़ा आगे पीछे है। आज हम लोग क्या किया था, व्हाट आर द एप्स एंड टैब्स, आज हम लोग क्रिएट था एप्स एंड टैब्स आपके बिजनेस आज हम लोग एप्स था। अगर उसका वीडियो देखा था, इसका वीडियो देखो, ये और भी डिटेल, ये 1 घंटे का वीडियो दे दिया वही टॉपिक में, समझ गए। वो डिटेल है इसका सर। और भी ज्यादा डिटेल में गया था, ये 1 घंटे का वीडियो दे दिया, बहुत अच्छा। ये क्लासरूम तरफ ट्रेनिंग है इसलिए इतना ज्यादा टाइम नहीं। तो सर ज्यादा डिटेल वीडियो इसके हैं कि उसके हैं? देखो ये क्या किया था, ये जो वीडियो एक क्लासरूम, मैं अभी तुम्हारे साथ जैसे क्लासरूम सेशन ले रहा है ना, वो हाँ ऐसे सब क्लासरूम सेशन, वो क्या अच्छा खुद ही आज ठीक है, कल सुबह मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाएगा, वो दिमाग कूल दिमाग से एक हाँ वीडियो बना दिया, वो दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इट इज ऑल्सो गुड, समझ गए। इससे और भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो जाएगा हमारा। ये टैब ये देखा, फील्ड तो तुम्हारा पता चल गया। हम लोग देखो यहाँ पे ग्लोबल पिक लिस्ट, कल हम लोग ग्लोबल पिक लिस्ट करेंगे, ओके ग्लोबल पिक्चर देख रहे हैं। और रिलेशनशिप तो थोड़ा पता है, रिलेशनशिप तीन चीज हाँ है, रिलेशनशिप डिटेल, मास्टर डिटेल, लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, ये थोड़ा ये पे थोड़ा एक जाएगा आके थोड़ा एक और, समझ गए क्या मतलब। हाँ सर दोनों तरफ देखो, बट इससे इट्स ए वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एंड ये वीडियो एक बार देख जाएगा, देखो ये क्या लिखे, हेलो शे, योर टीचिंग स्किल इज वेरी गुड इन नॉन आईटी बैकग्राउंड, बट योर वीडियो हेल्प मी लॉट इंप्रूविंग नॉलेज इन द सेल्स फोर्स, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छा है, देखो किसी को अच्छा क्वालिटी हो तो तारीफ करना चाहिए ना, हाँ सर अगर उसके तारीफ करोगे तुम्हारे भी अंदर आ जाएगा, समझ गए। हाँ ये सर थोड़ा ये करो, ध्यान से शुरू करो, ठीक है ओके। सर ये ओके दोनों सीरीज में देखो, जो दिमाग से जा रहा ऊपर जा रहा हो, 20,000 फीट से जा रहा हो, 30,000 फीट जा रहा हो, कोई भी बात नहीं, एक अगर प्लेन उड़ गया ना, फ्लाई हो गया, वो नीचे आएगा, आएगा तो आएगा, ये सर नोट। यस सर पहले प्लेन कितना फुट ऊपर में चलता है, 30,000 फीट, 30 से देखो 25 आता है, 20 आता है, वो नीचे तो 10,000 होता है, 5,000 होता है, जब एयरपोर्ट पहुंच गया वो धीरे 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 स्लोली लैंडिंग करता है, तो अंडरस्टैंड। ठीक है सर, इसको देख के मैं सर प्रैक्टिस करते रहूंगा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी करो, करूंगा इसको जहां देख के। रुक जाएगा वो आ जाओ, ओके। जहां तो दिन में जब कट रहा, मेरा तो उस इवनिंग में कट रहा, कोई भी टाइम में, सो स्क्रीनशॉट भेजो, सर यहाँ पे मैं अटक गया, मैं तो अगर सुनता रहता ठीक है, तो देवबंद वहाँ पे अटक गया, अगर मैं जब आता है रूम से, बहुत 1-1.5 घंटे यहाँ पे पास जाएंगे, उसी टाइम मैं देख के आज मैं भी चेक कर लेंगे क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा तो पता चल जाएगा ना, ठीक है। ऐसे तरह प्रोसीड करो बस, ओके। देखो अगर करियर का तुम्हारे मन है, दुनिया किसी के साथ रोके ना नहीं, ओके।